जैस्मिन भसीन बिग बॉस के घर से बेघर हो गई हैं और बेघर होते ही आ गया है उनका पहला रिएक्शन जो कि उन्होंने इंटरव्यू में बातचीत की है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई, जहां पर आपको टेलीविजन और बॉलीवुड की सारी अपडेट्स मिलती हैं राइट ऑन टाइम। और अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, मेरा यूजर नेम है RJ_IG। सो जैस्मिन भसीन ने बताया है कि बिग बॉस के घर से एविक्ट होने के बाद वो अपने घर में ही गई, पहले वो हर्ष और भारती के घर पर गई क्योंकि वो उनके सपोर्ट सिस्टम हैं। इसके बाद जैस्मिन भसीन ने बताया कि उन्होंने खाने में क्या खाया, उन्होंने मटन बिरयानी खाई, छोले भटूरे खाए, फिर उन्होंने बताया कि घर के लोगों के बारे में उनकी इक्वेशन क्या है। सबसे पहले अली गोनी की बात उन्होंने की क्योंकि सवाल ये उठ रहे थे कि जिस तरीके से जैस्मिन के पेरेंट्स ने अली गोनी और जैस्मिन भसीन की दोस्ती या रिलेशन पर कॉमेंट किया था या रिएक्ट किया था, उसके बाद ये लग रहा था कि क्या जैस्मिन भसीन के पेरेंट्स अली गोनी और जैस्मिन भसीन के इस रिलेशन को अप्रूव नहीं करते हैं। तो इस पर जैस्मिन ने क्लैरिटी दी कि मेरे मॉम डैड ने उस वक्त जो भी बोला वो सिर्फ गेम के पर्सपेक्टिव से बोला कि गेम में मैं उसकी वजह से नहीं दिख रही हूं या मुझे सोलो खेलना चाहिए, लेकिन पर्सनली हमारे रिलेशनशिप को देखा जाए तो उनको क्या एतराज होगा, वो ये भी बोलती नजर आई। उन्होंने कहा कि मैंने बाहर निकलकर अपने पेरेंट्स से बात की है एंड दे आर हैप्पी अबाउट इट, वो इस चीज से खुश हैं और आई वोंट माइंड कि इस साल हम शादी कर लें क्योंकि जैसे ही अली बाहर आएगा तो मेरे घर वाले अली के घर वालों से मिलेंगे और शादी की बातचीत करेंगे। हालांकि मैं अली के घर वालों से पहले भी मिल चुकी हूं लेकिन तब हम सिर्फ दोस्त थे, अब कहानी कुछ और है इसलिए मिलना जरूरी होगा, ये उन्होंने अली गोनी के बारे में कहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि राखी सावंत वाले मुद्दे में वो अभी भी खुद को गलत नहीं मानती हैं, राखी ने बार बार सर अपना टेबल पर पटका था, इसकी वजह से उनको चोट लगी है और अगर मान लीजिए मेरी वजह से लगी भी है तो मैं अपनी गलती मानती हूं, मैंने उनसे भी माफी मांगी है घर के अंदर। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि राखी भले ही एंटरटेनिंग है, अगर आप उनका एक मिनट का क्लिप देखें या एक घंटे का एपिसोड देखें तो आपको एंटरटेनिंग लग सकती हैं, लेकिन जब आप 24/7 उनके साथ रहेंगे तो वो एंटरटेनिंग से ज्यादा इरिटेटिंग लगती हैं, वो हर चीज में एक्ट करती हैं, ड्रामा करती हैं जो कि काफी इरिटेटिंग हो जाता है, इसलिए मुझे उनके साथ रहना पसंद नहीं है, ये वो बोलती हुई नजर आई राखी सावंत के लिए। फिर बात आई रुबीना दिलैक की, तो उन्होंने कहा कि रुबीना दिलैक और मैं कभी दोस्त नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि मेरा अच्छा बॉन्ड था रुबीना से जब हम शो के अंदर शुरुआत में गए थे, लेकिन बाद में मैंने देखा कि मैं हमेशा उनके मुंह पर बात करती थी और वो पीठ पीछे मेरी बुराइयां करती थी, जो कि उनका ये नेचर मुझे पसंद नहीं आया। और हाँ, इस बात से ये क्लैरिटी है कि हम दोनों कभी दोस्त तो नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ कभी सोशली मिल गए तो वी विल चिल अराउंड, ये भी उन्होंने कहा कि अगर हम कभी सोशली मिले तो अच्छे से बातचीत करेंगे, ये भी है, लेकिन दोस्ती अच्छी नहीं होने वाली है, ये उन्होंने क्लियर किया। फिर पूछा गया उनसे कि आपको क्या लगता है कि इस शो का विनर कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि रुबीना दिलैक विनर हो सकती हैं क्योंकि वो बहुत क्लेवर माइंड हैं और उनके मैनिपुलेटिव स्किल्स जो हैं वो उनको ये शो जिता सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि अली गोनी भी ये शो जीत सकता है क्योंकि उसका दिल बहुत साफ है। सो ये सारी बातें जैस्मिन भसीन करती हुई नजर आई हैं, कुछ और भी बातें उन्होंने की हैं जो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, अभी यहां पर पूरा नहीं बता रहा हूं। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।